मेरे सभी व्यूअर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली फीट के ऊपर है, मींस आपके पैरों पे, स्पेशली जो आपके सोल का एरिया है, आपके जो तलवे होते हैं उसके लिए है। बहुत से लोगों को पैरों के तलवों में, उनके फीट में जलन महसूस होती है, झुनझुनी महसूस होती है और ऐसा लगता है कुछ चल रहा है, चींटियाँ काट रही हैं। तो अगर ऐसी भी समस्या आपको भी है तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैंने 5 तरह की मेडिसिंस बताई है जो थोड़े थोड़े डिफरेंट सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड है। मीन्स 5 ऐसी सिचुएशन या कंडीशन है जो देखने में आमतौर पे मिलती हैं अगर जिनको पैरों में जलन होती है। मेडिसिन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि जो पैरों में जलन, खुजली या जो क्रॉलिंग सेंसेशन, मीन्स कुछ चलने वाली जो सेंसेशन है, ये मोस्टली क्यों होती है, कब होती है। तो ये अधिकतर जो होती है वो नर्व के डिस्टर्बेंस के कारण होती है। मीन्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक कंडीशन होती है जिसमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर पेशेंट डायबिटिक है या वो उसका जो शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है तो भी आपको ये सिम्टम्स उन पेशेंट्स में मिलेंगे। इसके अलावा अगर HIV इन्फेक्शन है तो भी आप ये सिम्टम्स महसूस कर सकते हैं। इसके साथ जैसे कुछ सर्टेन ड्रग्स होती हैं उनके संपर्क में अगर आप आते हैं तो भी आपको जो है इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी जिनमें विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी हो जाती है उन पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा कुछ लोकल कॉज भी हो सकते हैं, मीन्स पर्टिकुलर स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, आपके पैरों की इन्फ्लेम्ड हो गई हैं तो भी ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो डिटेल वे में कॉज आपको जानने के लिए कि किस वजह से हो रहा है आपको अपने नियरेस्ट होम्योपैथ के पास जाना होगा। मैं डिफरेंट 5 कंडीशंस बता रही हूँ और उनके अकॉर्डिंग 5 होम्योपैथिक मेडिसिन। तो चलिए उन 5 कंडीशंस को जान लेते हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती हैं। पहली कंडीशन होती है कि आपके पैरों में बर्निंग है, जलन है, साथ में ईचिंग भी है, मीन्स कि खुजली भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है आपको। जब भी आप फ्री बैठते हैं आपका हाथ आपके सोल पे, आपके फीट पे चला जाता है और आपको स्क्रैच करते रहते हैं और ये रात में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा खुजली जो है उस वक्त होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि बर्निंग के साथ ईचिंग हो रही है तो कैल्केरिया सल्फ एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, 30 पोटेंसी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको सेवन करना है जीभ पर अपनी। नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो है कि आपके जो पैर हैं बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, कोल्ड हैं, स्वेटी हैं, साथ में उनमें पसीना भी आ रहा है, ठंडे हैं और पसीना आ रहा है। मीन्स ये एक थोड़ी विपरीत स्थिति है कि ठंडे भी है और पसीना भी है पैरों, और इसके साथ आपके पैरों में जलन हो रही है और साथ में बर्निंग सेंसेशन, जलन देखने को मिलेगी, तब हम कैंथेरिस मेडिसिन यूज करते हैं और इसे आपको 30 पोटेंसी में लेना है। सेम तरीके से 2-2 बूंद अपनी जीभ पर लेना है सुबह, दोपहर, रात। थर्ड जो कंडीशन या सिचुएशन हम देखते हैं कि जो आपके पैरों में जलन हो रही है उसके साथ क्रॉलिंग सेंसेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ चल रहा है पैरों में, बहुत ज़्यादा बोलेंगे झुनझुनी जैसा है, चींटियाँ काट रही हैं, ऐसी सेंसेशन, मींस कुछ चुभन वाली जो होती है जब कुछ चींटी या कुछ कीड़ा काट लेता है वैसा महसूस करेंगे, और साथ में पैरों के साथ आपके पाम में भी यहाँ आपको वैसा ही सेम देखने को मिलेगा। मींस जो आपके पाम है और सोल है दोनों में आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि बर्निंग के साथ क्रॉलिंग सेंसेशन है, मींस चीटी जलने जैसा है और जलन है, तो आप हाइपेरिकम 30 या 200 की पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन। इसकी भी आपको 2-3 बूंद अपनी जीभ पर लेना है सुबह, दोपहर, रात। तो अब देखते हैं अगली कंडीशन क्या होगी। कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि जो उनका एक पैर होता है वो उन्हें गर्म महसूस होता है और दूसरा पैर उन्हें ठंडा महसूस होता है, मीन्स उनके एक फीट में हॉट फीलिंग आएगी और जो दूसरा पैर है उसमें उन्हें कोल्ड फीलिंग आएगी, मीन्स एक पैर गर्म दूसरा ठंडा उन्हें महसूस होगा, साथ में उन्हें बर्निंग होगी। बर्निंग तो जैसे मैंने कहा सभी में ही है, तो क्योंकि हमारा वीडियो ही उस बारे में है कि बर्निंग इन फीट, तो बर्निंग तो सभी में मिलेगी और साथ में जिस तरीके का मैंने अभी आपको बताया, एक पैर गर्म एक पैर ठंडा होने तलवा जो है पैरों का महसूस होगा, उस तरह की कंडीशन लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसे 200 की पोटेंसी में लेना है सुबह, दोपहर, रात, 2-2 बूंद अपनी जीभ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, सकती कि बर्निंग है और पैरों में, दोनों पैरों में गर्म महसूस हो रहा है और पेशेंट को इतना ज़्यादा अपना पैर गर्म लगता है कि वो जब वो रात को बेड पर लेटता है तो चद्दर से या फिर पलंग से बाहर जो है अपने पंजों को निकाल के रखता है, अपने फीट को बाहर रखता है, कवर नहीं करता, उसे पैरों में ठंडक चाहिए रहती है तो वो कवर करना बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट पैरों में हो रही है तो वो उसे ठंडा रखना चाहता है, इस वजह से चद्दर के बाहर पैर निकाल कर या बेड के बाहर पैर निकाल कर वो सोता है रात भर। तो इस कंडीशन के लिए बेस्ट मेडिसिन होती है सैनिकोला।
सैनिकुला मेडिसिन भी 30 या 200 की पोटेंसी में ले सकते हैं। इसे भी 2 से 3 बूंद अपनी जीभ पर सेवन करना है, दिन में 3 बार आप लें तो बहुत अच्छा है। तो ये कुछ 5 सिचुएशन मैंने आपको बताई जिनके अकॉर्डिंग अलग अलग 5 होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती हैं। आप तो जानते हैं कि होम्योपैथी में हम सिम्टम्स के बेस पे मेडिसिन देते हैं, और होम्योपैथी में ऐसे ही अनयूजुअल सिम्टम्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं। मेरे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन जो दिख रहा होगा घंटी जैसा निशान उसे भी हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोस आगे आएंगे वो आप तक उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।